हेलो एवरीवन, आज है 24 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फेडरल बैंक के बारे में। देखिए, 45 रुपीज पर शेयर आ चुका है और आज तकरीबन 5.5% की भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली है। एक बहुत बड़े लेवल से शेयर टूट के नीचे आया है और अभी वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। काफी ज्यादा उम्मीद थी बाजार को इस शेयर से, लेकिन ये शेयर 60 रुपए के लेवल से जब से गिरना शुरू किया है तब से ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। रोज इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। फेडरल बैंक में इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी का भी बहुत बड़ी होल्डिंग यहां पर है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि 45 रुपए के आसपास जब ये शेयर ट्रेड कर रहा है तो क्या अब यहां से खरीदारी का कोई रुख बनता है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहां से क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फेडरल बैंक 45 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करेंगे तो पिछले एक महीने में फेडरल बैंक में 19 से 20% की भयंकर गिरावट है। ठीक है, 60 रुपए के लेवल से शेयर कंटिन्यूअस टूट रहा है और पिछले एक हफ्ते में ये जो गिरावट है वो वाकई में काफी बड़ी गिरावट है। और हम सब जानते हैं कि मार्केट पिछले 3-4 दिनों से बहुत ही गंदे तरीके से टूट रहा है, बहुत ही गंदे तरीके से मार्केट टूट रहा है, संभलने का नाम नहीं ले रहा। और सिर्फ इंडियन मार्केट ही नहीं, अमरीकी बाजार, यूरोपियन बाजार में भी भयंकर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ऐसे में इंडियन मार्केट पर भी काफी ज्यादा प्रेशर अभी क्रिएट हो रहा है। और बैंकिंग शेयर की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, तो जो मोरिटोरियम को लेकर डिस्कशन चल रही है उसकी वजह से बैंकिंग शेयर के ऊपर भी काफी ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने की बात करेंगे तो पिछले एक महीने में फेडरल बैंक में 51% की गिरावट है। 96 रुपीज तक का हाई था पेंडेमिक से पहले, पेंडेमिक के टाइम पे 37 रुपीज तक का इसने लो बनाया, बाद में बढ़िया रैली थी, 60 रुपए तक का हाई इसने बना दिया उसके बाद। लेकिन अब अगर हम देखें तो 45 पर आ चुका है। अपने एक साल के ऑल टाइम हाई अगर हम बात करें पेंडेमिक में 37 का जो इसने लो बनाया था उससे थोड़ा दूर डेफिनेटली शेयर अभी भी ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में 59% की गिरावट है। और देखिए, 37 रुपीज का लो पिछले 3 साल का, 126 रुपए तक का हाई इस कंपनी ने बनाया है, बैंक ने बनाया है। 18% का ग्रोथ है पिछले 10 साल में। अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 126 रुपए तक का यहाँ पर हमें हाई देखने को मिला है और 22 रुपए तक का लो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है। देखिए, मिड कैप शेयर है 9,490 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 3 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। और तो और अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले एफआईएल के पास एक बहुत बड़ी होल्डिंग है, 30.95% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 25.64% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिली है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.29% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और तो और देखिए, 33 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 209 एफआईएस का पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात की तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल प्राइवेट बैंक है, जिनके पास 4.79% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 29.07% के आसपास है और डिविडेंड भी 70% का पे कर रहा है, मतलब पिछले साल इन्होंने जुलाई में ये डिविडेंड पे किया था। देखिए, फेडरल बैंक में एक बहुत बड़ी होल्डिंग राकेश झुनझुनवाला जी की भी है। अगर हम बात करने जाए तो पेंडेमिक के दौरान उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था। अगर हम देखें तो 3.08% की होल्डिंग राकेश झुनझुनवाला जी की थी जून तक, लेकिन पेंडेमिक में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 3.18% तक कर दिया, मतलब 20 लाख एडिशनल शेयर उन्होंने पेंडेमिक के दौरान खरीदे थे। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो उस वक्त शायद 45 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहे थे और उन्होंने उस वक्त 45 रुपए के आसपास ये शेयर खरीदे थे, 20 लाख एडिशनल शेयर खरीदे थे। और उनकी फेडरल बैंक में 3.18% की बहुत बड़ी होल्डिंग उनकी देखने को मिल रही है। उसके अलावा फेडरल बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनी है कि टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है और काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए, फेडरल बैंक का जो वैल्यूएशन है वो काफी सस्ता है, किसी को भी ललचा सकता है। 5.88 का पीए जबकि इंडस्ट्री भी 25 है। यहाँ पर बुक वैल्यू 72 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.63 है, ईपीएस 7.82 है और डिलीवरीज 19 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखेंगे तो 88% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। उसके अलावा 12% लोग यहाँ पर बेचने की भी सलाह दे रहे हैं। 88% लोगों की खरीदारी की सलाह है और 12% लोगों की बेचने की भी सलाह है। उसके अलावा बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के अच्छे खासे टारगेट्स भी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने फेडरल बैंक में बाइंग करने की सलाह दी है और 70 रुपए का टारगेट प्राइस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इनके लिए रखा है।
तो डेफिनेटली अपने टारगेट प्राइस से तो काफी सस्ते प्राइस पर अभी भी शेयर ट्रेड कर रहा है और हर क्वार्टर में इस बैंक ने प्रॉफिट कमाया है। ऐसा नहीं है कि कुछ क्वार्टर में बैंक को भारी नुकसान हुआ, जी नहीं, हर क्वार्टर में इस बैंक ने बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट कमा कर दिया है। जून 2020 के क्वार्टर में 411 करोड़ का मुनाफा इस बैंक ने कमाया था। मार्च 2020 में 302 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर 2019 में 450 करोड़ का प्रॉफिट था। 424 करोड़ का प्रॉफिट था सितंबर 2019। जून 2019 में 375 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो हर क्वार्टर में अच्छे खासे प्रॉफिट कमाए हैं इस बैंक ने और नुकसान नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए भी काफी अच्छी देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा कंट्रोल में है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। जरूर एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पर गिरी है, अगर हम बात करने जाए पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो एफआईएस की होल्डिंग गिरी है, लेकिन अभी भी 30.95% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईएस के पास है। इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को बहुत इंक्रीज किया है, 5.56% से 6.29% पहुंच चुके हैं। म्यूचुअल फंड की भी 24.33% की होल्डिंग 25.64%, मतलब एक दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस के अच्छे खासे पैसे यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एफआईएस, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी हर किसी ने यहाँ पर खरीदारी की है। और दूसरी बात, जो सेबी की नई गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मिड कैप में और स्मॉल कैप में जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं उनको 25-25% का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो मतलब लार्ज कैप में शायद थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने मिड कैप में तो पैसा रखा है वो तो शायद उसमें रखेंगे और इवन इंक्रीज भी कर सकते हैं। ओवरऑल फेडरल बैंक डेफिनेटली एक बहुत ही कम प्राइस पर पहुंच चुका है। काफी बड़ी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है फेडरल बैंक में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, अभी भी मेरा मानना है कि अगर आप 2-3 साल का व्यू लेके चले हैं, 2-3 साल नहीं, अगर आप 2 साल का भी अगर आप व्यू लेके चल रहे हो, 1.5-2 साल का, तो आई थिंक फेडरल बैंक आपके लिए अभी भी सस्ते प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। बहुत जल्दी इसमें रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी मार्केट में काफी ज्यादा प्रेशर है। तो मैं ऑन द स्पॉट तो ये नहीं कहूंगा कि आप अभी जाके खरीदारी कर लो, जी नहीं, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा स्मार्टली प्ले कर सकते हो। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो इस लेवल पर अगर आप चाहे तो 20 शेयर खरीद सकते हो, फिर वेट करो, अगर 3-4 रुपए और गिरा तो और 20-25 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, 3-4 रुपए और गिरा तो और 20-25 शेयर आप यहाँ पर खरीद सकते हो। और कम से कम 1 या 1.5 साल का भी अगर प्लान लेके चलोगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि शेयर आपको 65 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है लॉन्ग टर्म में। 1 साल में 65 रुपए तक के भी आपको यहाँ पर टारगेट्स देखने को आराम से मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर इसके ऊपर क्रिएट जरूर हुआ है और आगे वाले दिनों में थोड़ा और प्रेशर क्रिएट हो सकता है, लेकिन शेयर उससे रिकवर कर जाएगा। और जो अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है मॉरिटोरियम को लेकर, जैसे मार्केट में इतनी ज्यादा उठा पटक हो रही है और जो विदेशी बाजार है वो भी टूट रहे हैं, जैसे जैसे सिचुएशन थोड़ी स्टेबल होती जाएगी मुझे लगता है कि शेयर में तेजी देखने को मिलेंगी। अभी तो मंदी है, इसमें कोई शक नहीं है, अभी थोड़ी और गिरावट यहाँ पर गहरा सकती है, ये बात भी सच है। तो यही कहूंगा कि एक साथ ये मत सोचो कि भैया शेयर सस्ता हो गया है मैं अभी के अभी सारे के सारे शेयर खरीद लूं, जी नहीं, आप यहाँ पर पहले 20% का हिस्सा खरीदे, पहले आप सोचिए कि आपको यहाँ पर कितने शेयर्स खरीदने हैं। आपको लगता है कि आपको 100 शेयर खरीदने हैं यहाँ पर, तो उसमें से सिर्फ 20 शेयर ही पहले खरीदारी करें, फिर वेट करें, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करें। ओवर एक्साइटमेंट में आकर यहाँ पर एक ज्यादा बड़ी क्वांटिटी का निवेश ना करें और पैनिक में आकर बेच के एग्जिट करने की भी जरूरत नहीं है अगर आप लंबी दूरी के निवेशक है तो। अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो जरूर आप अपने हिसाब से फैसला कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो मेरे हिसाब से डरने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, डेफिनेटली वक्त रहते शेयर रिकवर भी कर जाएगा। तो इसके साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और फेडरल बैंक के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।